सोलन में WWE प्रतियोगिता जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस मौके पर ग्रेटकली जिला पुलिस अधीक्षक एवं SDM सोलन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने अपनी ऐच्छिक निधि से कली के कार्यक्रम को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और साथ ही प्रतियोगिता की तैयारी का जायजा भी लिया और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अधिक जानकारी देते हुए खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि अगर ग्रेट खली हिमाचल में एकेडमी खोलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें भरपूर मदद करेगी और जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रेट खली की प्रतियोगिता मंडी में भी बेहद सफल रही और उम्मीद की जा रही है कि सोलन में भी यह और बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि ग्रेट खली ने सोलन में रोड शो भी निकाला जिसमें उन्हें लोगों का अपार समर्थन मिला। सभी लोग खली के साथ सेल्फी खिंचवाते नजर आए। खली ने भी रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। तो हमारे दिलीप सिंह राणा जी द ग्रेट खली जी को जहां इनको उचित लगेगा, क्योंकि उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या किन बातों की आवश्यकता है, वो तो यही हमको बता सकते हैं, क्योंकि हमको तो इस बारे में जानकारी हमारी तो शून्य के बराबर है। इसलिए जो ये कहेंगे जहां पर करेंगे हम उपलब्ध करवाएंगे जमीन। निश्चित रूप से आगामी समय में इस बात पर विचार किया जा सकता है कि इस एंटरटेनमेंट को करना चाहिए, विश्व स्तर पर है। और मुझे तो लगता है कि खेल मंत्री के नाते हमको ये सिफारिश करनी चाहिए, जिस बात के कारण हमारे बच्चे हमारे नौजवान ड्रग फ्री हो सकते हैं तो उसको कहीं ना कहीं सूची में शामिल करने की आवश्यकता है। और WWE सिर्फ भारत में या हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये तो पूरी दुनिया में होता है।